बिग बॉस 14 के घर में अली गोनी की वाइल्ड कार्ड एंट्री होते ही जैस्मीन भसीन का कुछ नया रूप देखने मिला, जहां वे ग्रीन जोन में कैप्टनसी रूम में अली को देखने के बाद रेड जोन की तरफ अपने दोस्तों को बताने के लिए भागती है और सभी से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मेरा हीरो आ गया और मेरा सपोर्ट सिस्टम आ गया है इस घर में। एक महीने से जैस्मीन का ये रूप बिग बॉस हाउस में बिल्कुल देखने नहीं मिला था। अली के आने के बाद जैस्मीन ज्यादातर ग्रीन जोन एरिया में कैप्टनसी रूम से बाहर बने हुए एरिया में बैठी नजर आती है, जहां एक तरफ जैस्मीन की कैप्टनसी की पहली सुबह थी, वहीं वे अली के साथ मॉर्निंग डांस करते हुए भी नजर आई। इस कैप्टनसी रूम को आइसोलेशन रूम बनाते ही उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज ऐड कर दी गई है, जहां सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर लंच डिनर सभी कुछ अली को बिग बॉस की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इस रूम में अली के लिए अलग से फ्रिज और चाय पानी का बंदोबस्त भी किया गया है। इस रूम में अब तक नहीं थी वो बाथरूम की फैसिलिटी भी अली के लिए दी गई है। जैस्मीन बार बार इस कैप्टनसी रूम के बाहर आके बैठ जाती है और अली के साथ बहुत सारी बातें करती है, जहां अली जैस्मीन से कहते हैं कि तू बहुत पतली हो गई है लेकिन कैमरा के लिए तेरा फेस बहुत सही लगता है। फिर जैस्मीन कहती है कि हां मैं बाहर जाते ही सबसे पहले बहुत सारा खाना खाऊंगी और फिर से मोटी हो जाऊंगी। अली के साथ इतना सारा सामान देके जैस्मीन कहती है कि तू जब कभी भी रेड जोन में जाएगा तो इतना सारा सामान नहीं ले जा पाएगा। व्यूअर्स आपको बता देखिए अली गोनी जूतों के बहुत ही शौकीन है और ज्यादा से ज्यादा जोड़ियां जूतों की लेके आए होंगे बिग बॉस हाउस में। जैस्मीन बार बार अली से कहती है कि मेरा मन कर रहा है अंदर आके तेरे दोनों गाल जोर से खींचूं और तुझे बहुत सारे मुक्के मारूं, जिसे अली कहेंगे कि ऐसे कौन मारता है भला। वुड की 24 आवर्स लाइव फीड में व्यूअर्स आपको बता दे कि अली गोनी पूरे दिन इस कमरे में बोर होते नजर आते हैं, क्योंकि घर में चल रहे सभी टास्क उन्हें टीवी द्वारा दिखाए जाते हैं और टास्क से फ्री होते ही घर के सभी कंटेस्टेंट एक एक करके अली के साथ आके घर के मुद्दे डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स के आपको इंतजार है अली के आइसोलेशन से बाहर आने का और घर में सभी कंटेस्टेंट्स और स्पेशली जैस्मीन के साथ मिलने जुलने का। प्लीज कमेंट योर व्यूज।